अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नवनीत राणा जो महाराष्ट्र के अमरावती से संसद है, उन्होंने इम्तियाज जलील AIMIM औरंगाबाद के संसद के ऊपर टिप्पणी की और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को लेकर भी टिप्पणी की। इस वीडियो में देखें। इस देश में रहना है तो जय श्री राम कहना है। तेरे बाप के जहेज में आया है क्या ये मुल्क? इम्तियाज जलील ओवैसी का चमचा क्या बोलते हैं? अमरावती आएंगे बोले नवनीत राणा को गिराने। अरे तेरे जैसे कितने आए कितने गए। कुछ दिनों के बाद इंशाल्लाह अमरावती जाना है मुझे, बहुत फड़फड़ा रही है। सूद के साथ लौटाऊंगा और यहाँ पे नहीं तेरे घर पे आके अमरावती में आकर तुझे चुनौती दे रहा हूँ। एक तो हम चिल्लर लोगों के मुंह लगते नहीं है। नवनीत राणा महिला है, जब पदर खोज के खड़ी है ना मैदान में। महिला है, मैं इज्जत कर रहा हूँ, लेकिन अगर ये वही है ना जो अपना घर छोड़कर सड़क के ऊपर ढोल बजाने के लिए चली थी, किस देवता और किस भगवान ने तुझे ये बताया था कि तुझे हनुमान चालीसा अगर पढ़ना है तो उद्धव ठाकरे के घर के सामने तेरे घर की दीवारी के अंदर क्यों नहीं पढ़ रही है? ये नाटक नौटंकी अपने साथ चलने वाली नहीं है। आगाज तूने किया है, अंजाम तक हम लेकर जाएंगे। ओवैसी जी को क्या? एक तो हम चिल्लर लोगों के मुंह लगते नहीं है और अगर तुम ये सोच रहे हैं कि वहां पर तुम्हें महाराष्ट्र के अंदर या दिल्ली के अंदर तुम्हारा बाप बैठा है और उस बाप की ताकत के बुनियाद के ऊपर तुम कुछ भी बोलेंगे तो एक बात समझ लेना कि तुम्हारे बाप का बाप यहाँ पर खड़ा हुआ है। और अगले बार तेरे बाप का नाम लेते वक्त सोच लेना कि किससे पंगा ले रही है करके। तो तेरे संभाजी में देखूंगी इस बार तू कैसे चुन के आता है, चम्मच या चम्मच ही रहेगा। अगर किसी बदतमीज इंसान से बहस हो तो हार मान लेना चाहिए, क्योंकि इंसान कितना भी अच्छा हो कुत्ते से अच्छा भौंक नहीं सकता। अगर यहाँ तक वीडियो को देख लिया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ।